जय हिंद प्यारे साथियों, यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आरसी को सोल्व करने का तरीका, रीडिंग कॉन्फ्रेंसन को सोल्व करने का तरीका। देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ, देखो इसका एक क्वेश्चन तो आता है फर्स्ट पेपर में और एक आरसी में होता है 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 नंबर का आरसी तो आता है फर्स्ट पेपर में और आजकल 20 नंबर का आने लगा है सब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट में टोटल 2 आरसी आने लग गए जिसके 10 क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट पेपर में 1 आरसी आता है जिसके 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आरसी के टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 में से 15 क्वेश्चन, मतलब 30 नंबर, ठीक है। अब ये 30 नंबर ऐसे हैं, यदि आपने सही ढंग से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, आपने कोई सही ढंग से कोई भी तरीका अपना लिया ना, तो ये 30 के 30 नंबर आप बिल्कुल आसानी से नॉर्मली तरीके से लेके आ सकते हो, ठीक है। और ये 30 नंबर आपके क्या रहेंगे, आपके बहुत ही बड़े पॉजिटिव पॉइंट रहेंगे जो आपको जेआरएफ दिलाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 नंबर का रामबाण बताने वाला हूँ। आप इसको सही ढंग से समझ लोगे ना, समझो 100% आप क्वेश्चन ठीक कर दोगे। और सबसे मेनली बात बता दूं मैं, ये जो मैं रामबाण बता रहा हूँ, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये है ऑनलाइन। भाई ऑफलाइन में यदि हम पेपर हाथ में लेकर रीडिंग कॉन्फ्रेंसन को सोल्व करते ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम कंप्यूटर में रीडिंग कॉन्फ्रेंसन को पढ़ते हैं, उसमें माउस को कभी इस साइड घुमाना पड़ता है, कभी इस साइड घुमाना पड़ता है, कभी ऊपर घुमाना पड़ता है, कभी नीचे घुमाना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ पर है, पैसेज कहाँ पर है, याद नहीं हो पा रहा, कभी लेफ्ट ले रहे हैं, कभी राइट ले रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, पूरा अव्यवस्थित काम चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे सोल्व करें, तो देखो इसका मैं सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस इस मेथड का। साथ ही साथ मैंने पिछले जो बैच था उसमें भी मैंने हर एक कैंडिडेट को इसी मेथड को अप्लाई करने के लिए रिकमेंड किया था, ठीक है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार जरूर इस मेथड को ट्राई करना 100%, पेपर देने से पहले ट्राई कर लेना, 100% आप ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करोगे। देखो इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं, आपको बहुत सारे टीचर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप सबसे पहले पैसेज को पढ़ो, फिर पैसेज के आप लैंग्वेज को समझो और उसके बाद आप क्वेश्चनों को सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो ये कैसी कंडीशन में, जिस कैंडिडेट की मेमोरी लेवल अच्छा है, जिस कैंडिडेट का अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है और जिस कैंडिडेट को याद करने की कैपेसिटी अच्छी है, वो इस तरीके को अपना सकता है कि वो सबसे पहले पैसेज को पढ़ ले और पैसेज को समझ कर और फिर क्वेश्चनों का आंसर दे दे, ठीक है। ये तो उन कैंडिडेटों के लिए जिन कैंडिडेटों का मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है। तो आप एक बार इस मेथड को भी ट्राई करना कि पहले आप पैसेज को पढ़ो, फिर पैसेज को समझो आप और उसके बाद आप क्वेश्चनों को हल करो। उसके बाद मैं एक अलग रामबाण बता रहा हूं जो हर एक कैंडिडेट के लिए रियल में रामबाण सिद्ध होने वाला है। आप सबसे पहले क्या करो, जैसे आपके पास पैसेज आएगा, पैसेज के 5 क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आप 5 के 5 क्वेश्चनों को पढ़ो, ठीक है। और 5 के 5 क्वेश्चनों को पढ़कर और आप 5 के 5 क्वेश्चनों के एबेस एदा को भी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने एबेस एदा को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको, एबेस एदा भी पढ़ने हैं और क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, ठीक है। मैं 3 तरीके बताऊंगा यहाँ पर, पहला तरीका मैंने बता दिया, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, 5 क्वेश्चनों को पढ़ना है, साथ के साथ 5 के 5 क्वेश्चनों के एबेस एदा पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। भाई आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा थोड़ा क्वेश्चनों का थोड़ा थोड़ा शब्द आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और क्वेश्चनों को और उनके ऑप्शनों को पढ़कर जब आप पैसेज को पढ़ोगे, ठीक है, आपने 5 के 5 क्वेश्चनों को पढ़ लिया, उसके 4 के 4 ऑप्शनों को पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करो और आप सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 5 क्वेश्चन पढ़ने, 5 के 5 क्वेश्चनों के एबेस एदा पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पहला क्वेश्चन उठाना है और पहला क्वेश्चन पढ़ना है और उसके 4 एबेस एदा पढ़ने हैं और फिर आपको पैसेज पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। आप पैसेज पढ़ रहे हो, ठीक है, सपोज डैट आपको लगा कि यहाँ पर इस लाइन में, सपोज डैट आपको ऐसा लगा कि इस लाइन में पहले वाले क्वेश्चन का कुछ लिंक है, आपको ऐसा लगा कि इस वाली लाइन में पहले क्वेश्चन का कहीं ना कहीं कुछ लिंक है, तो आप क्या करो, इस लाइन को थोड़ा अच्छे से पढ़ो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर फिलअप कर दो उसका, ठीक है।
दूसरी कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, सपोज दैट आपने पांचों के पांचों क्वेश्चनों को पढ़ लिया, उसके पांचों के पांचों ऑप्शनों को पढ़ लिया, उसके बाद आपने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, पहले क्वेश्चन के चारों चारों ऑप्शन पढ़ लिए, आपने पैसेज पढ़ना शुरू किया, ठीक है, आप पैसेज पढ़ते हुए नीचे आ रहे हो और इस वाली लाइन में, किसी भी लाइन में एक्स वाई जेड, मैं यहाँ पर ये लाइन ले रहा हूँ, इस वाली लाइन में आपको ऐसा लगा कि यार इस वाली लिंक है ना, जो पांचों क्वेश्चन है इनमें किसी ना किसी क्वेश्चन का 100% क्या है, लिंक है, ठीक है, इस वाली लाइन का पांचों क्वेश्चनों में किसी ना किसी तरीके से लिंक है, तो आप क्या करो, क्या करोगे आप? अब यहां पर दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन तो क्या बनती है कि आप पहले इस वाली लाइन को सोल्व कर लो कि भाई इसका रियल में आंसर क्या होगा, तो इसको आप लाइन को अच्छे से पढ़ो, फिर पांचों के पांचों क्वेश्चनों को देखो और जिस क्वेश्चन का इस लाइन से लिंक मिल रहा है उस क्वेश्चन को सोल्व कर लो, या फिर आपको रफ पेज मिलता है रफ पेज, और उसमें इस वाली लाइन का कोई भी कीवर्ड लिख दो, इस वाली लाइन का कोई भी कीवर्ड या इस वाली लाइन के शुरू के जो तीन चार अक्षर है ना, इनको उस पैसेज खाली पेज में लिख लो, जिससे आपको पता चल जाए कि ये जो चार शब्द लिखे हुए हैं खाली पेज में, ये एक लाइन के शब्द हैं जो कि किसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, और आप आगे बढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, और पहले क्वेश्चन का जहाँ भी आपको आंसर लगे उसको सोल्व कर दो, उसके तुरंत बाद आप इस वाली लाइन को उठाओ, ठीक है, और इस वाली लाइन को उठा के और बाकी के जो चार क्वेश्चन है उसको देखो कि कहाँ पर उसका लिंक मिल रहा है आपको, और उस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। अब इसी में एक कंडीशन और होती है, आपने पांचों के पांचों क्वेश्चनों को पढ़ लिया, उसके पांचों ऑप्शनों को पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया, पहले क्वेश्चन के चारों ऑप्शनों को पढ़ लिया, और आपने पढ़कर पैसेज को पढ़ना शुरू कर दिया, और आपको पूरे पैसेज ने पढ़ लिया, आपने पूरे पैसेज को पढ़ लिया, लेकिन आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि यार इस क्वेश्चन का लिंक किस लाइन से है, आपको पूरे पैसेज में कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि इस क्वेश्चन का लिंक किस लाइन से है, तो हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, दोबारा पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर भी नहीं मिलता, फिर हम दोबारा पैसेज पढ़ते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, और हमारा टाइम वेस्ट होता है। आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, कैसा क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। आपने सपोज डैट इस वाले क्वेश्चन को पढ़ा, इस पूरे पैसेज को पढ़ा, और इस क्वेश्चन का इस पैसेज से आपको कहीं कोई लिंक नहीं मिला, है तो बाकी इसी में लिंक लेकिन आपको मिला नहीं, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाओ। आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, फिर आपने तीसरे क्वेश्चन को पढ़ा, फिर तीसरे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया, क्वेश्चन पढ़ो पैसेज पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पैसेज पढ़ो, फिर आपने चौथे क्वेश्चन को पढ़ा, उसका मिल गया, फिर उठाओ वापस पहले वाले क्वेश्चन को। अब तक आपने पैसेज को कितनी बार पढ़ लिया, टोटल 5 बार पढ़ लिया। अब आप 100% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर कर दोगे, तो ना तो आपका टाइम वेस्ट हुआ और आपने आंसर भी ठीक कर दिया, ठीक है, एक ये तरीका है। इसके अलावा एक तरीका और बताता हूँ मैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, लेकिन ये तरीका वो कैंडिडेट अप्लाई करें जिनके लिखने की स्पीड बहुत फास्ट है, ठीक है। अब आपको पैसेज नहीं लिखना है, मैंने बोला होगा कि लिखने की स्पीड बहुत फास्ट है, आपके दिमाग में डायरेक्टली आया होगा कि हमें लिखना है पूरा पैसेज, पैसेज नहीं लिखना है आपको। आपको क्या करना है, पैसेज लो, पैसे खाली पेज लो, खाली पेज पर जैसे सपोज डैट ये क्वेश्चन है, वहाँ पर लिख दो प्रथम वाक्य, क्वेश्चन नंबर एक प्रथम वाक्य, ऑप्शन ए विजेता सेनापति सिपाही, ये ऑप्शन ए के तीन कीवर्ड हैं, तीनों लिख दो, और व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया गया जिसे वास्तव में सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद की हो, ये कीवर्ड है दूसरे ऑप्शन का, इसको लिख दो। इतिहास की पुस्तकें हमें सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद करने वालों की बजाय विजेताओं सिपाहियों के बारे में ज़्यादा बताती हैं, तो विजेताओं सिपाहियों के बारे में ज़्यादा बताती हैं, ऑप्शन तीन का कीवर्ड हो गया। इतिहास में विजेता और सेनापतियों सिपाहियों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, तो उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, ये चौथे ऑप्शन का कीवर्ड हो गया। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन का कीवर्ड निकाला, उसको क्वेश्चन नंबर, जैसे सपोज डेट कि आपका खाली पेज है, यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर एक डाला, इसका जो भी कीवर्ड था उसने आपको उस कीवर्ड को आपने यहाँ पर लिख दिया। ध्यान रहे कीवर्ड ऐसा लिखो जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये कीवर्ड इस क्वेश्चन का है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ए इसका कीवर्ड लिखा, ऑप्शन बी इसका कीवर्ड लिखा, ऑप्शन सी इसका कीवर्ड, ऑप्शन डी इसका कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद
दूसरे क्वेश्चन का भी ऐसे करूँ, तीसरे क्वेश्चन का भी ऐसे करूँ, चौथे क्वेश्चन का भी ऐसे करूँ और पांचवें क्वेश्चन का भी ऐसे करूँ। और इस पूरे काम को करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिनट लगनी चाहिए। इतनी फास्ट लिखना है और क्वेश्चन को इतनी फास्ट पढ़ना है कि इन पांचों क्वेश्चनों के कीवर्ड लिखने में, विद ऑप्शन कीवर्ड लिखने में आपको मैक्सिमम 3 मिनट लगे। अब आपने जो क्वेश्चन था उसके जो ऑप्शन थे, उसके जो मेन मेन कीवर्ड थे, उसको आपने क्या किया, खाली पेज पर लिख लिया। तो एक तरीके से जो क्वेश्चन था ना, वो उस खाली पेज पर आ गए। पांचों के पांचों क्वेश्चन खाली पेज पर आ गए। अब उस खाली पेज को आप हाथ में लो और फिर पैसेज को पढ़ो। पैसेज को पढ़ तो जाओ, यहाँ पर पेज में आपके क्वेश्चन लिख लिया आपने भाई, कीवर्ड में आपने क्वेश्चन लिख लिया, दूसरी साइड आपका पैसेज है। तो एक तरीके से क्या हो गया, जो ऑफलाइन पेपर होता है ना, बिल्कुल वैसा सीन हो गया कि हाथ में तो आपके क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर पैसेज में ढूंढते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर पैसेज में ढूंढते जाओ। लेकिन ये तरीका केवल उन्हीं कैंडिडेटों को अप्लाई करना है जिन लोगों का कीवर्ड ढूंढने का तरीका सही है, जिनकी कीवर्ड ढूंढने की स्पीड सही है और जिनकी लिखने की स्पीड बहुत फास्ट है और वो लिखा हुआ बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के लिखने की स्पीड बहुत अच्छी है उनको मेथड नंबर 3 अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों की याद करने की कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, मेमोरी लेवल बहुत अच्छा है, उनको मेथड 1 अप्लाई करना चाहिए। और जो बाकी के मीडियम कैंडिडेट है ना, उनको मेथड 2 अप्लाई करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, कम से कम 30 पैसेज सोल्व करना है आपको। ठीक है, आपको 30 आरसी सोल्व करनी है। 5 आरसी करो मेथड 1 से, 5 आरसी सोल्व करो मेथड 2 से और 5 आरसी सोल्व करो मेथड 3 से। ठीक है, आपने टोटल 15 आरसी सोल्व कर ली, तीनों के तीनों मेथड अप्लाई कर लिए। और इनसे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा मेथड है जो बेस्ट लग रहा है, कौन से मेथड से आप ज़्यादा क्वेश्चन ठीक कर रहे हो और कम समय लगा रहे हो। सपोज डैट आपको लगा कि तीसरा वाला मेथड हमारे लिए बेस्ट है, तो इस कंडीशन में आप मेथड 3 को अप्लाई करो। आपको लग रहा है कि मैंने जो अब तक सोल्व किया है, मेरे को मेथड 1 अच्छा लग रहा है, तो आप बाकी के जो 15 आरसी हैं वो मेथड 1 से सोल्व करो। आपको लग रहा है कि तीनों तरीकों में से दूसरा वाला जो तरीका है, दूसरा वाला जो मेथड है, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, दूसरे वाले मेथड से मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी ठीक कर रहा हूँ और समय भी कम ले रहा हूँ, तो आप बाकी के जो 15 आरसी है वो 2nd वाले मेथड से सोल्व करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा तीनों के तीनों मेथड में से कि आप कौन से मेथड के लिए बेस्ट हो, आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। जो मेथड आपके लिए बेस्ट है उसी मेथड से आप बाकी के 15 आरसी सोल्व करो, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो आरसी 30 नंबर के होने वाले हैं, वो 30 के 30 नंबर आप लेके आ सकते हो, और वो भी मात्र 25 से 30 मिनट के बीच में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 30 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी आपको, 25 से 30 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दी। जब आप बहुत सारे आरसी सोल्व करोगे ना, तो ये 3 आरसी है ना 15 क्वेश्चन के, ये आप लगभग 20 मिनट में कर दोगे। ठीक है, बस इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस आप कैसे करो, तीनों मेथडों को 5-5 आरसी सोल्व करो। सबसे पहले आप पहले मेथड से 5 आरसी सोल्व करो, फिर दूसरे वाले मेथड से 5 आरसी सोल्व करो, फिर तीसरे वाले मेथड से 5 आरसी सोल्व करो। ठीक है, आपने टोटल 15 आरसी सोल्व कर ली। अब जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे, सपोज डैट दूसरा, पहला या तीसरा, जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे, उस मेथड से कम 15 आरसी सोल्व करो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको टाइम कंट्रोल नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में, जब आप शुरू में आरसी सोल्व करो ना, तो आपको टाइम पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करने पर फोकस करना है। जब आप शुरू शुरू में आरसी सोल्व करोगे ना, तो आपको टाइम नहीं देखना है। आप चाहे 15 मिनट में आरसी सोल्व करो, चाहे आप 20 मिनट में करो, लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चन ठीक करो। और उससे आप कुछ ढूंढने की कोशिश करो, आप उससे रिसर्च करो कि यहाँ पर आंसर कहाँ से बन रहे हैं, उस क्वेश्चन के आंसर का जो जड़ है ना, उसको पकड़ो आप। ठीक है, आप उसके कीवर्ड को पकड़ो, उसकी जड़ को पकड़ो कि आंसर किस तरीके से निकल रहा है, आंसर कहाँ से बन रहा है। और फिर धीरे 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 आप कीवर्ड पकड़ लिया आपने, जड़ पकड़ ली कि आंसर कहाँ से बन रहा है, आपको पता चल गया कि इस तरीके से सही आंसर निकल पाएगा, फिर आप टाइम पर फोकस करो। तो शुरू के जो 15 सोल्व करोगे ना,
उसमें आपको टाइम पर नहीं बल्कि क्वेश्चन ठीक करने पर फोकस करना है, और उसके बाद के जो 15 सोल्व करोगे उसमें आपको दोनों चीज़ों पर फोकस करना है, क्वेश्चन ठीक करने पर भी और टाइम पर भी, ठीक है। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, देखो वो सबसे मेनली क्या है, सपोज डैट आपने आरसी सोल्व किया पहला, ठीक है, उसमें आपके दो क्वेश्चन ठीक हो गए, आपके तीन गलत हो गए, ठीक है। तो अब इन तीनों जो क्वेश्चन गलत हुए ना, उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझो कि इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर कहां पर छुपा हुआ है। ठीक भाई, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने आरसी सोल्व किया, आपके तीन क्वेश्चन सही हो गए, आपके दो गलत हो गए, तो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए ना उन क्वेश्चनों को पढ़ो और फिर उनका आंसर आप पैसेज में ढूंढने की कोशिश करो कि इन क्वेश्चनों का आंसर कहां पर छुपा हुआ है, तो उससे भी आपको एक नया मेथड पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपको चार पांच बातें ध्यान रखनी है, चार पांच तरीके हैं जो आपको पहले करने हैं, और टोटल आरसी सोल्व करने के तीन मेथड हैं। इन सभी चीज़ों को आप अप्लाई करोगे 100% आप बहुत गजब का स्कोर करोगे, और अब दिन में आप कम से कम 2 से 3 आरसी सोल्व करना शुरू कर दो, कम से कम 2 से 3 आरसी, ठीक है। आप अपना टाइम टेबल में फिक्स सेट कर लो कि 30 मिनट मेरे को आरसी को देना है, शुरू में चाहे 30 मिनट में आप 2 आरसी सोल्व करो कोई इशू नहीं है, ऐसा 2-4 दिन तक करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो क्वेश्चन ठीक करने पर, फिर आप क्वेश्चन ठीक करने पर प्लस टाइम दोनों पर फोकस करो, ठीक है। यदि ये मेथड आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।